हेलो एवरीवन वेलकम टू टूडेज क्लास आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स एंड सब्जेक्ट इज कंप्यूटर वी आर स्टर्निंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के फंडामेंटल्स सो लेट्स सी की व्हाट इज अ कंप्यूटर अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स एक कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है परफॉर्म करता है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशंस को अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस के लिए जैसे हम निर्देश देते हैं उसी के आधार पर वह कार्य करता है इट इज अ फास्ट एज वेल एज एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड एक्सेप्ट इन टू द प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आउटपुट ये बहुत ही फास्ट है फास्ट होने के साथ साथ ये एकदम सही तरीके से काम करने वाली एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि स्टोर करती है प्रोसेस करती है इंफॉर्मेश को एंड एक्सेप्ट इन टू द प्रोड्यूस ऑफ द रिक्वायर्ड आउटपुट और उसपे कार्य करके उसपे काम करके हमें जो रिजल्ट चाहिए होता है वह भी हमें देती है आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है जिसपे एक लड़की बैठी हुई है और वह इनपुट कर रही है डेटा को किससे कीबोर्ड की सहायता से माउस है जो कि क्या है इनपुट डिवाइस है इसी तरीके से सामने जो स्क्रीन दिख रही है जिसे हम मॉनिटर कहते हैं यह एक तरह की आउटपुट डिवाइस होती है और जिस पर हमें अपना रिजल्ट मिलता है आगे चलते हैं इसी चैप्टर में वट इज़ द कंप्यूटर हमने कहा तो कंप्यूटर वर्ड के बारे में अब हम देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं द वर्ड कंप्यूटर ऑर्गेनाइज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट द वर्ड कंप्यूटर जो कंप्यूटर शब्द है ऑर्गेनाइज वो बना है किससे फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्रीक भाषा के शब्द से जो कि है कंप्यूट विच मीन्स जिसका मतलब है टू कैलकुलेट यानी कि गणना करना अनलाइक ह्यूमन्स ह्यूमन्स की तरह कंप्यूटर डज नॉट हैव ब्रेन कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता है बिकॉज इट्स जस्ट अ मशीन क्योंकि यह एक मशीन है तो ये कह रहा है कि कंप्यूटर के पास हम इंसानों की तरह अपना दिमाग अपना मस्तिष्क नहीं होता है क्योंकि यह एक मशीन है और मशीन में ब्रेन नहीं होता है इट ओनली रेस्पॉन्स टू द टू ऑन एंड ऑफ प्लस ये केवल ऑन और ऑफ की क्रिया पे ही काम करती है द फॉर्मर इज रिप्रेजेंटेटेड बाई कोड जो कि कोड के द्वारा दर्शाया जाता है कोड वन एंड द किसको फॉर्मर रिप्रेजेंट किसको करता है कोड वन को एंड द लेटर बाई कोड जीरो और लेटर को कोड जीरो के द्वारा दर्शाया जाता है द कोड जीरो एंड वन आर नॉन एज बाइनरी और मशीनरी कोड तो जीरो और वन जो ये कोड हैं ये बाइनरी कोड या मशीनरी कोड कहलाते हैं क्या कहलाते हैं तो ये कहलाते हैं बाइनरी कोड और मशीनरी कोड अब इसी में हम आगे चलते हैं आगे देखिए कि बाइनरी और जीरो जीरो वन क्या कहलाते हैं मशीनरी कोड कहलाते हैं और जो ये बाइनरी और जीरो वन जो कोड हैं इसके आगे के प्रोसेस के बारे में हम बात करें तो द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड कंप्यूटर नहीं समझ सकता ह्यूमन लैंग्वेज इंसानों की भाषा एंड हैंस कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन इन टू बाइनरी कोड और इसीलिए हम उसे जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको वह पहले बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है द प्रोस एंड प्रोसेस डैम फिर उस पर कार्य करता है एंड प्रोड्यूस द रिज़ल्ट और हमें रिजल्ट देता है दे आर फॉर इट कैन बी सेड इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अ कंप्यूटर वर्कस ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल कि कंप्यूटर एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है एक सरल से सिद्धांत पे कार्य करता है और वो है आई पी ओ आई पी ओ साइकिल यानि कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट आई होप you understand this chapter we will continue our class in next chapter we will continue i hope you understand this chapter and we will continue our this chapter in next class till then take care of yourself thank you so much love you all